Parti cinda, parti cinda var. Cinda var, cinda var. Parti cinda, parti cinda var. Cinda var, cinda var. हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे देश भर में जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का 150वें जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक पूरे देश भर में हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 150 किलोमीटर गांधी संकल्प यात्रा की एक सब जगह देश भर में चल रही है। इसके अंदर जो गांधी जी के जो आदर्श थे, गांधी जी जो सपना सजो रहे थे कि हमारा भारतवर्ष ऐसा बनना चाहिए, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, दूसरा और इसके अंदर कई है जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर जल संरक्षण है, फिर हर आदमी को सादगी से रहना चाहिए, खादी को ज्यादा से ज्यादा अपनाना चाहिए, वृक्षारोपण वनस्पति, हम यदि वायुमंडल दूषित हो गया तो मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, तो वृक्षारोपण के लिए हर बूथ के ऊपर कम से कम 5 वृक्ष लगे, पंचवटी का रूप मिले देवे, ऐसे कई जो कार्य है। पॉलीथीन मुक्त सबसे बड़ा जो अभी धीरे धीरे जो प्रचलन में आया है, पॉलीथीन एक ऐसा ही अभिशाप का काम कारण बन रहे हैं, जो एक दफे यूज में लेते हैं ना हम फेंक देते हैं, उसे मानव के लिए तो हानिकारक ही है, गौ माता भी उसको जब ग्रहण करती है तो वो भी कालग्रस्त हो जाती है। ये जमीन का कैंसर है, पॉलीथीन मुक्त हो, पर्यावरण की शुद्धिकरण हो, हर तरह की ऐसे जो सामाजिक सरोकार है, दूसरा हर जगह ऐसी एक स्वच्छता का वातावरण हो, स्वच्छ भारत होगा तो स्वस्थ भारत होगा, इसके लिए विशेष जो ये 8-10 ऐसे जो बताया कारण, तो इस गांधी संकल्प यात्रा के माध्यम से हर लोकसभा क्षेत्र में 150 किलोमीटर की यात्रा होनी, उसमें सारे जनप्रतिनिधि सारे पार्टी के पदाधिकारी नीचे छोटे से छोटा कार्यकर्ता बूथ स्तर का इसमें सम्मिलित होकर वो ये संदेश देगा आम जनता को, तो ये देश मोदी जी का सपना है, ये देश समृद्ध राष्ट्र बने, खुशहाल राष्ट्र बने, ये देश परम वैभव पर पहुंचे, इसके लिए ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के ऊपर 150वें जन्म दिवस के ऊपर ये संकल्प गांधी संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। आज ये किसान विधानसभा क्षेत्र में एड़ा बेड़ा से लेकर फिर हम देवरिया, फिर बरोल, फिर डबरेला दोदाधारी बाबा की यह संपन्न हुई है, ये 13-14 किलोमीटर पद यात्रा, इसमें सारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, पार्टी के सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी के सभी जिले के पदाधिकारी सारे के सारे इस पद यात्रा में साथ रहे, और आम जन को हम बता रहे हैं, हम माताओं बहनों को हम कपड़े का थैला वितरण कर रहे हैं कि आप सब्जी लेने जाओ, आप किराने का सामान लेने जाओ तो आप प्लास्टिक की थैली नहीं लेके जाए, प्लास्टिक की थैली में सामान नहीं लेके आए, कपड़े का थैला लेके जाए, हम कपड़े का थैला का वितरण भी कर रहे हैं, और इस तरह से ये हम चाह रहे हैं, जो मोदी जी चाह रहे हैं कि ये देश समृद्ध राष्ट्र बने, गांधी जी का सपना पूरा हो, इस उद्देश्य से ये संकल्प यात्रा चल रही है।